कांगपुर गड़जात राज्यर साधारण अभियोग मुख्यतः मात्राधिक भू राजस्व आदाय निमन्ते उपजिता। गांगपुर जनजाति लोक मैंने अस्वाभाविक कर व्यवस्थार ह्रास निमन्ते प्रार्थना करिथिले मध्य कौनसी सुफल मिल नथिला। फळरे या जन असंतोष वृद्धि करिथिला एवं जनजातिर लोक मैंने कर न देवा निमन्ते आंदोलन आरंभ करिथिले। लुथेरान मिशन र मुंडा ख्रीस्टियन ओराम जनजाति और हिंदू लोक मानंकु अन्यन्य जनजातिर नेता मैंने समर्थन करिबा फळरे एही आंदोलन शक्तिशाली होई पारिथिला। गांगपुर राणी साहेबा जानकी रथनाय महाराणी राज्य में विद्रोह देखा देखा समस्त अंचल को विस्तृत भाव गस्त करी अनेक सभा समिति मध्यम राजदरबार विभिन्न नीति संबंध में बुझाइवा को चेष्टा करने कर देवा निमंते आवश्यकता संबंध में बुझाई मात्र विद्रोही मुंडा मैंने राज प्रतिनिधि राणी सभा को बर्जन कर प्रशासन कर आदाय निमंते अनेक दमनमूलक पदक्षेप मान ग्रहण करिथिला। विद्रोह में सामिल थिबा अनेक नेतामानक विरुद्ध रे अपराधिक मामला मान रुजु करी गिरफ करागला। मात्र प्राचीन अस्त्र शस्त्र रे सज्जित जनजातिर लोक माने सेमानक नेतामानक गिरफ विरोध रे प्रतिरोध कले। 1949 मसिया प्रारंभरु राज्य रे भू राजस्व सह अन्यान्य कर आदाय करिबा एक प्रकार असंभव होई पडिथिला। एही समय रे निर्मला मुंडा सेमानकर नेतृत्व नेवा फळरे एही आंदोलन तीव्रतर होइथला। फलस्वरूप राज प्रतिनिधि राणी कर ह्रास निमन्ते रिहाती घोषणा कले जहाँ लोकमानक द्वारा ग्रहणीय होइ नथिला एवं कर छाड़ आंदोलन जारी रहिथला। 1949 मसिया फेब्रुआरी 9 तारिख रे राणी लोकमानक अभियोग शुणिबा सह कर देवा निमन्ते प्रवर्तिबा पई स्वर्गीपाली ठारे एक साधारण सभार आयोजन करिथिले। एही सभारे 30 गांव पाखापाखि 4-5 हजार लोक जोगदे राणी को एक दाबीपत्र प्रदान कले। सेमानंकर मुख्य दाबी मध्यरे भूकर पुनः निर्धारण सह 1910 मसीहार जंगल आईन रे संशोधन सह चौकीदारी टिकस मूलोत्पाटन और पशु चमड़ा उपरे एकचाटिया व्यवसाय निमन्ते अधिकार पई दाबी करा जायथिला। एहा सह एक दायित्ववान सरकार गठन करा जाई जेउथिरे लोकमाने सेमानंकर चयन अधिकार सब्यस्त करिपारिबे सेथि निमन्ते दाबी जणा जायथिला। मात्र राणी एही दाबी समूह को कर्णपात करिनथिले। तेणु आदिवासी माने निर्मला मुंडांक नेतृत्व रे सेमानंकर विद्रोह जारी रखिले। अस्वाभाविक परिस्थिति को दृष्टि रे रखी राज्य प्रशासन जुग्म आरक्षी बाहन बंदोबस्त कर विद्रोही नेता दमन करने निम्ते व्यवस्था कला। से विद्रोही नेता अल्प केतक गिरफ हेले। संबलपुर अवस्थापित इंग्रेज राजनैतिक प्रतिनिधि एवं गांगपुर दरबार प्रशासन से विद्रोही नेता अख्तियार करने निम्ते योजना मान प्रस्तुत कले। लोक जणाई दिगला जे ब्रिटिश भाइसराय मुंडा जनजाति लोक अभियोग को ग्रहण करेणु सुसंवाद लोक बुझाई देवा निमंते राणी 1949 मसीहा अप्रैल 25 तारीख में आमको सिमको गस्त करे। अपप्रचार को निरीह सरल आदिवासी माने ग्रहण करपरिक निर्मला मुंडा मध्य अपप्रचार को विश्वास कर समर्थक मान राणी आसुवा सभार जोगदे निमंते प्रवर्त। 1949 मसीहा अप्रैल मस 25 तारीख में कैप्टेन बिस्को 2 प्लाटून सशस्त्र सेना दल सह सहकारी राजनैतिक प्रतिनिधि और एसडीओ को सांगरे आनी निर्धारित स्थान में पहुंची निर्मला मुंडा को गिरफ करने सेठे लाठी टांगिया एवं अन्यान्य अस्त्रशस्त्र सज्जित थिबा प्राय 500 जनजाति लोक मैंने निर्मला मुंडा गिरफ विरोध में प्रतिरोध कले। फल धस्ताधस्ती आरंभ हो गला एवं पुलिस गुड़ी चालना आरंभ करदेला। सरकारी आकलन अनुसार सेठे प्राय 30 जन लोकंर मृत्यु घटा सह 50 जन क्षताक्त होते। बेसरकारी सूत्र अनुसार सेठे 30 जन मृतदेह पड़ा एवं अन्य केतक मृतदेह पुलिस गाड़ी में तारपोलिन भितर लुचाई रखा जाता जहाँ को वीरमित्रपुर अवस्थित बिश्रा चूनापथर कारखाना फोपाड़ी दि जाता।
ନିର୍ମଳା ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ତାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ କାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସିମକୋଠାରେ ଘଟିଥିବା ବର୍ବରୋଚିତ ରକ୍ତାକ୍ତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମଳା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସରଳ ଆଦିବାସୀମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଆଧୁନିକ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ।